हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, आज संडे का दिन है और सुबह से मैंने जो है ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह का हमारा जो चाय पानी होता है वो हो चुका है फ्रेंड्स, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। बना नहीं रही हूँ, मतलब गर्म कर रही हूँ। 2 दिन पहले आपने देखा था कि मैंने हलवा बनाया था गाजर का, तो वो हलवा गर्म कर रही हूँ। एक साइड जो है दूध गर्म हो रहा है, मिल्क आ गया था तो वो भी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और रूटीन बहुत लेट स्टार्ट हुई है, करीबन 9 बज रहे हैं जब हमें मैं हलवा गर्म कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल पर, फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आ जाइए आप सभी गर्म गर्म गाजर का हलवा खाने। सर्दियों में बहुत ही यम्मी लगता है। फ्रेंड्स, 11 बज चुके हैं और बहुत काम आज लेट हो चुका है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ नाश्ता ही हुआ है हमारा, और अभी मैं आज आप सभी के साथ अप्पे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बड़े ही दिनों के बाद अप्पे बनाऊंगी मैं। बहुत दिन हो गए, कम से कम 2-3 महीने हो गए अप्पे नहीं खाए हैं हमने, तो आज मैं अप्पे बनाऊंगी। और रोटी सब्जी दाल चावल ये सारा कुछ मतलब खाकर मन भर गया है, कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ मैं लेकर बैठी हूँ। सूजी ख़त्म हो गई थी तो मैं सूजी भरूंगी अभी, और मैंने नाश्ते के बाद हलवा खाने के बाद दोनों कमरों की सेटिंग डस्टिंग और झाड़ू कर दिया है। और अभी मैं उससे मेरे को अब ना पोछा लगाना है और नहाना है और कुछ कपड़े हाथ से धोने हैं। और अभी आप मशीन की भी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो मशीन भी लगी हुई है। संडे को बहुत काम हो जाते हैं। सूजी भर दी मैंने, देखिए सूजी फुला रही हूँ मैं, ये देखिए इस कटोरी की नाप से फुलाऊंगी मैं भर के। दही भी रखा था मेरे पास संक्रांति के दिन वाला, तो मैंने कहा चलो आज कुछ अच्छा बना लिया जाए। तो ये देखिए सूजी, थोड़ी सी सूजी इसमें और मिलाऊंगी मैं, तो टोटल 1 कटोरी सूजी है ये। और अब इसमें मैं मिला दूंगी दही सूजी के साथ। करीबन 3 चम्मच मैं दही ऐड कर रही हूँ, छोटा चम्मच है, और दही जो है अच्छी खासी खट्टी है, तो 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अभी दही को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी, ये देखिए। और अब उसके बाद इसमें मैंने ये छोटे से गिलास एक गिलास पानी डाल दिया, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर और अब इस सूजी को दही के साथ सेट होने के लिए मैं रखूँगी, और उसके बाद फिर हम इससे अप्पे बनाएंगे। तो चलिए मेरी जो है सूजी फूलेगी दही के साथ, उसके बाद उसमें बाकी का काम ताम झाम करेंगे हम। और यहाँ ये लग रही है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। संडे हो, कपड़े ना धुले ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे तो मैंने मशीन लगा दिए। कुछ मुझे हाथ से धोने हैं, तो अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स। अब थोड़ी टाइम के बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से। फटाफट मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के सिंक साफ करूंगी ये वाला वॉश एरिया, और उसके बाद फिर सीधा नहाना धोना, और जो हाथ से कपड़े धोऊंगी वो उसके बाद में मिलूंगी आपसे। चलिए मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद। फ्रेंड्स, मेरा नहाना धोना हो गया है, और आज देखिए हेयर वॉश भी किया मैंने, बहुत ज़्यादा ही गंदे जो है बाल हो गए थे। और बाथरूम जब आप साफ करते हो तो बिना हेयर वॉश के ना मतलब लगता ही नहीं कि नहाया है। तो सारा कुछ क्लीन करने के बाद बाथरूम वगैरह सिंक वगैरह फिर मैंने हेयर वॉश करके नहाया है, और कपड़े भी ये देखिए साथ के साथ ही मेरे धुल गए हैं। एक टब भर के कपड़े हैं ये देखिए। तो अब इनको लेकर मैं चलती हूँ छत पे, क्योंकि 12 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है, तो फिर जल्दी से डालूंगी तभी ये जल्दी सूखेंगे। तो चलिए चलते हैं छत पे, फटाफट कपड़े सुखा के आते हैं फिर कुछ बनाते हैं। ये है मेरे को। तो फ्रेंड्स, मैंने जो हाथ से धोए थे वो कपड़े भी मैंने मशीन में निचाड़ लिए हैं ताकि जल्दी सूख जाए, आजकल दिन बहुत छोटे होते हैं। तो अब मैं सुखाकर कपड़े जो है छत पे से आ गई हूँ, और धूप अच्छी खासी थी पर अभी तक कुछ खाया नहीं, तो इस वजह से मैं आ गई। तो यहाँ देखिए ये है कुछ सब्जियाँ, गाजर है और एक प्याज और गोभी, फूल गोभी और हरा धनिया, ये मैंने खूब बारीक से चॉप कर लिया है, और सूजी जो है दही के साथ अच्छे से फूल गई है, मैंने इतने काम निपटाए जब तक। तो अब इन सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है, और इनको सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये जो है आपका सुपर हेल्दी जो है नाश्ता तैयार हो जाएगा अप्पे। तो अप्पे मैं इसी तरह बनाती हूँ, अप्पे तो सिंपल प्याज काट कर भी बड़े अच्छे बनते हैं, बट इस तरीके से घर में सब्जियाँ हो तो सारी सब्जियाँ डालकर भी बड़े टेस्टी बनते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इस तरीके से अप्पे बना कर देखिएगा।
तो सारी सब्जियां मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने और इसमें पानी डालकर मिक्स कर दिया। और इसमें अब एक मैं तड़का लगा रही हूँ, ये तड़के में है जीरा, राई और सौंफ और कड़ी पत्ता। सरसों का तेल गरम कर लिया और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी और ये तड़क जाएंगी। तब फिर मैं इस अप्पे के लिए जो मैंने ये बैटर बना रखा है, इसमें मैं ये इस तड़के को मिक्स कर दूंगी। एक बार ये तड़का इस तरीके से अप्पे बनाने से पहले अप्पे के मसाले में डालकर देखिएगा आप, इससे जो है अप्पे बहुत ही यम्मी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो अब इस तड़के को मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैंने अप्पे पेन चढ़ा दिया है, इसमें मैं सारे खानों में तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड तेल है ये। और तेल जो है गरम हो गया, तो अब इसके अंदर मैं इस तरीके से अच्छे से एक एक चम्मच, मतलब भर भर चम्मच अच्छे से मैं फील कर दूँगी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और अभी मैंने इसमें ना किसी भी तरह की मिर्च नहीं डाली है, ना लाल मिर्च ना हरी मिर्च, तो वैसे मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। और ये देखिए ये इतने बिने बिना मिर्च के हैं ये, क्योंकि बेदी को इस तरीके के ये अप्पे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा वो अच्छे से खाती है शौक से, तो इसलिए मैंने उसके लिए मिर्च नहीं डाली है। और उसके पापा भी बिना मिर्च के आराम से खा लेते हैं। बाकी में मैंने दो मिर्च कट कर कर देखिए मिक्स कर दिया। और जो मेरे अप्पे हैं वो 2 से 3 मिनट में ये देखिए खूब अच्छे से कुक हो चुके हैं। और ढेर सारी सब्जियां हैं इसके अंदर और सूजी दही, बहुत ही टेस्टी ये अप्पे बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा आप लोग। और ये मैं अब बेदी को और उसके पापा जी को दूंगी खाने के लिए। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये काफ़ी गर्म है, तो सॉस के साथ वो लोग खाएँगे। और उसके बाद मैं बाकी के भी सेम प्रोसेस बना लूँगी। तो ये देखिए बाकी के भी मेरे सेम प्रोसेस बन चुके हैं, तो जो सीख चुके हैं वो मैं निकाल दूँगी और बाकी फिर मैं वैसे ही सेम और बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं भी बैठ के खा लूँगी। और मैंने साइड में कुकर में राइस चढ़ाया हुआ है, तो बहुत जैसे काम लेट हो गया है, तो सिंपल ही खाना भी मैं बना रही हूँ। तो कढ़ी और चावल मैं बना रही हूँ खाने में दोपहर के लंच में। तो राइस मेरा हो गया है और ये देखिए अप्पे बन के कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं। और एक कटोरी सूजी में करीबन 20 अप्पे बन के तैयार हुए थे, जो कि हमारे नाश्ते के लिए काफ़ी थे। देखिए तो नाश्ते के बाद जो है ये कढ़ी बनकर मेरी रेडी हो गई। कढ़ी की रेसिपी शेयर नहीं करी है, फिर कभी कर दूंगी। पकोड़े वाली कढ़ी और चावल बनाए दोपहर के लंच में, तो इसमें नमक नहीं डाला था मैंने अभी, तो नमक मैंने इसमें ऐड कर मिक्स कर दिया अच्छे से। और अभी मैं बेदी को कढ़ी और राइस खिलाने वाली हूँ। ये देखिए बेदी के लिए मैंने बाउल में निकाल लिया, इसे ठंडा कर उसे खिलाऊंगी, फिर जो है हम खाएंगे। तो आज जो सुबह से जो दोपहर तक की रूटीन है वो कुछ, शाम के बज गए हैं 4 और हम जा रहे हैं अपने चाचा के घर। कहाँ जा रहे बेदू? चाचा जी के घर जा रहे हैं, हम बीहू के पास जा रहे हैं। और ये बाउल बीहू का है, उसकी मम्मा दे गई थी, उन्होंने बनाए थे छोले पूड़ी, तो वो दे के गई थी, तो ये बेदू देकर आएगी। इसमें है अदरक का टुक्का। ताला कहाँ है? चलते हैं, थोड़ा सा राशन लेकर आते हैं, पहाड़ी कॉलोनी चलते हैं, फिर आज पुरानी दुनिया में राशन लेकर आएंगे। चलिए। तो फ्रेंड्स, शाम के टाइम हम लोग गए थे, थोड़ा सा हमारे फ्रेंड्स है बगल में ही है वो, उनके यहाँ हम घूम कर आए थे। और थोड़ी देर हम उनके यहाँ बैठे, उनके यहाँ चाय वगैरह हमने पी शाम की। और फिर हम दोनों ही फैमिली चले गए थे ऊपर जहाँ हम पहले रहते थे, तो हमारा जो ग्रोसरी का सामान है वहीं से आता है अभी। तो फिर हम दोनों ही फैमिली बच्चों के साथ चले गए थे घूमते फिरते। हम अपना घर का जो है राशन लेकर आए हैं, तो बोरोप्लस ख़त्म हो गई थी, ख़त्म नहीं होगी कहीं पर ना, बेदी ने पता नहीं कहाँ फेंक के मिल ही नहीं रही है। तो ये दूसरी बोरोप्लस लाई थी मैं, तो वही मैंने निकाली सामान में से। बाकी सामान तो मैं कल सुबह में सेट करूँगी, भरूँगी। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और सुबह से लेकर शाम तक का ये ब्लॉग था, बेदी का अंडा जो है उबल रहा है शाम का, और दिन की कढ़ी है, तो प्लेन रोटी ही बनेगी शाम के खाने में। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।